आपने सिंडिकेट मीटिंग है। हाँ बोम जी, सिंडिकेट यूनिवर्सिटी री एक हाई अथॉरिटी बॉडी। हाँ बोम जी, जो हर एक डिसीजन जो भी है और सिंडिकेट रे मीना पारित हुआ अभी तो देर शाम तो काफी सारी चीजें जब हम देखा कि सब बड़ी चीज कोरोना के कारण अपनो जो को ए एक टेन्योर हतो जो को एक सेशन हतो वो के दिन के लेट हुआ। आपने कहा कि फरवरी में ना एग्जाम शुरू हो जाते सारी लड़ाई बीजी सब खत्म हो और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर फाइनल रहा एग्जाम शुरू हो जाया करेंगे, पर अज तक कोविड रे कारण कोई तरीके रो क्लासेस लागी कोनी, कोई तरीके रो कोई बदलाव आयो तो विश्वविद्यालय ने पहली कहो तो कि जो भी स्टूडेंट है वो सबारो सिलेबस कम करो ताकि ये सेशन है जो प्रॉपर चल सके। दो तीन बार हुआ ना सही तरीके हम समझाया जब यूनिवर्सिटी प्रशासन मुकदमा दर्ज कराया सातारी आवाज ना की दबाव की कोशिश करें, पर कोविड रे टाइम में ना के दिन के माना भी लागतो कि साहब एक गलत मैसेज है जो को विश्वविद्यालय तरफ में सोसाइटी में जावे जे कह रहा थोड़ी सी ये ना ढील दीनी कहो कि साहब आप स्टूडेंट्स की बात है आप तरीके हम रखो मैं तरीके हम ना थाना बताऊंगा और आप उगरे आगे जो को मीटिंग जो को सिंडिकेटरी मीटिंग है या जो को भी आगे एकेडमिक काउंसिल मीटिंग है उगरे मीना आप ऐसी चीजें रखो ऐसा है लो। तो केतन केत ओ बाप क्योंकि कदे भी अकेडमिक काउंसिल रे मीटिंग रे मिला या सिंडिकेट रे मीटिंग रे मीना छात्रा न लेर कोई भी एक ही मुद्दो राख्यो को स्टूडेंट्स रो एक ही मुद्दो रहयो को हमें फीस कम करन रो चार पांच बार गए जितना भी ये स्टूडेंट बैठा है खासा वाला है घना घना अपना मीना जो परिवार आए वो ग्रामीण परिवेश में आए गाँव आवे तो उमारी फीस कम करन री बात म्याड़े सुना हुआ रहा टेन्योर में लगभग म्याड़ो खासो बोलो काटियो रो बत्तो काटा पड़े चुनाव जीतने के पश्चात घना घना छात्र संघ अध्यक्ष जयपुर या दिल्ली शिफ्ट हुए हूँ इस क्या बैठो क्या कि आप सब बाल मेहमत है आप सब हूँ कोई पार्टी को नहीं है तो ही आप सब मेहमत भरोसा देता तो मैं आरोप पूरा फर्ज है कि जब तक हूँ ये था जब आप सबारी बात ना हूँ आगे रख और हूँ मैं काम करा पर हमें साफ जब बात आए कोविड टाइम में मीना एक ग्रामीण परिवेश रहे आदमी रही हर एक जगह रोजगार मीना वो मारियो गयो उरो काम धंधो चौपट हुआ जो को कई कई सारा एड़ा स्टूडेंट भी अपाउ गुडे है जो को पार्ट टाइम जॉब करता जो को पार्ट टाइम जॉब करता आपनी नौकरी भी करता और पढ़ाई भी करता काफी सारा एड़ा लोगर है उहा गुडा मीना आप जदे खून चूस रुपया लियो आप फीस लियो किन चीज जनवरी फरवरी तक हमें जार के दिन के कॉलेज खुलन रो आदेश आयो आप रो एक भी बिल्डिंग यूज को नहीं लाइट पानी यूज को नहीं हुआ गैस फैकल्टी जो है गैस फैकल्टी वो यूज को नहीं कोई भी तरीके रो आप रो कोई भी संसाधन उपयोग में को नहीं आए तो आप रुपया किन चीज रहा और रही बात दूसरी तो वो ना पहली तीन चार बार ये ना लेर समझाया मैं कहो भी तो कि सिंडिकेट रमी ना आप मुद्दा रखे ताकि ग्रामीण परिवेश में आऊं नाड़ो हर विद्यार्थी ना केतन केत और हर एक विद्यार्थी ना जो को आर्थिक रूप में ना केतन केत कमजोर है उन्हें ये चीज रो फायदो मिले पर विश्वविद्यालय आप गहरी नींद में सूती रही सुवन रो कारण तो कि तीन चार महीना थोड़ो सो एक माँ भी जाने कि एक नरमाई बरता नरमाई ये आरो कि हर एक जगह जेतन के दिन के एग्रेसिव मोड देखे तो लोग लगे कि साहब अग्रेसन हर टाइम मत करो तो मैं ठीक है साहब विश्वविद्यालय परिवार है और ये परिवार है जरा पर हमारा जो रवैयो है ये देख लागे कि अगर आज आप ऐसा मार कर बैठा रहे तो काले तारीख में मीना कोई तारी बात सुनने वालों को नहीं विश्वविद्यालय प्रशासन जो को भी ना वर्तमान में मीना जो को भी है हायर अथॉरिटी में वो आपकी 39 बीघा जमीन जेडी ना दे विश्वविद्यालय आप सब किन नाता दियो अपने गांव में ना कह नहीं कि जो को तब आप माई तारी जमीन बेचे जो को आगे बढ़े वो कदे आगे कौन जा सके जाए कदे आगे कदे सुनी तो हमें ऐसी चीज जब आप करो तो 39 बीघा जमीन जिसके टाइम उसी टाइम जिसके टाइम न्यू कैंपस बने हो ओल्ड कैंपस बने हो तो कितनी थोड़ी क्या जमीन बड़ी करी आज टाइम में ना आप जोधपुर में ना पग राखन की जमीन अगर के लैंड जाओ तो करोड़ों का भाव पे और उसी जगह पे 39 बीघा जमीन आप हैजा दे रहे हो वो जमीन करिए वो विश्वविद्यालय वो अपनी सब अपने आने वाला छोटा भाई जिसके टाइम एयरपोर्ट है या के दिन के जमीन की जिसके टाइम बात आई या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई जब वो कह सके साहब चलो मैं तो उठम को लेता फिर बेटा था फिर की करता यूनिवर्सिटी प्रशासन तो बेचण गयो तो
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਫੀਸ ਗਰਾਊਂਡ ਔਰ ਬੁੱਕਸ ਆਜ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੇ ਦਿਨ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੋਨ ਰਹੇ ਆਪ ਮੈਂ ਨਾਮ ਘੜਾ ਘੜਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐੜਾ ਹੁਸ ਹੈ ਜਿਕੋ ਐਸ ਐਫ ਐਸ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਓ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਓ ਉਹਾਂ ਨਾ ਉਹਾਂ ਮਨ ਪਸੰਦ ਸਬਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਸ ਦੇ ਮਨ ਪਸੰਦ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਕਾ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨੂ ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀ ਪਰ ਉਹਾਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਕੱਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕੱਲ ਦਾਰ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਆਰੂ ਦਊਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿੱਤਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਾਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੱਤ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕਾਉਂਸਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੁਕੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਾਰੀ ਰੋਜੀ ਆਜ ਆਪਣੇ ਸਭਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫੀਸ ਭਰਾ ਉਹਰ ਲਾਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਰੇ ਘਰ ਰਮੀ ਨਾ ਚੁੱਲਾ ਜਗੇ ਤੋ ਉਹਾਰੋ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੁੜਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੋ ਉਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਔਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕਾਉਂਸਲ ਰਮੀ ਨਾ ਰੱਖ ਪਰ ਜਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੀਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋਏ ਕੇ ਦਿਨ ਕੇ ਤੇ ਆਪਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮਤ ਕਰੋ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ ਸਰਸਤੀ ਰੋ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਇਹ ਮੀਨਾ ਪੜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੋ ਹਮੇ ਆਪੇ ਸਭ ਬੇੜਾ ਹੋ ਗੱਲੇ ਜੋ ਕੋ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਛਾਤਰ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰੇ ਔਰ ਪਹਿਲ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਸਭੋਂ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਆਪ ਮਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖੋ ਆਪ ਮਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਜੋ ਕੋ ਵੀ ਦੋਨਾ ਲੀਪਾ ਪੋਤਾ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜੋ ਕੋ ਚੋਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਅਜਾ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਤੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਿਮਾ ਦੇ ਪਰ ਜੋ ਕੋ ਇਹ ਤੇ ਆਰਡਰ ਮੀਨਾ ਆਪ ਇਹ ਜੋ ਕੋ ਦਲਾਲੀ ਕਰੋ ਇਹ ਮੀਨਾ ਜੋ ਕੋ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਂ ਹੈ ਸਰਸਤੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਇਹਨ ਜੋ ਕੋ ਵੇਚੋ ਹੈ ਜੋ ਕੋ ਅੱਗੇ ਅਜਾ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੱਡ ਕੋਨ ਪਾਈ ਤੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰੋ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਓ ਚਾਣ ਚਾਹੀਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਏੜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਬਚਣੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਜੇ ਜਿਕਰੋ ਕੇ ਦਿਨ ਕੇ ਥੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਹੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜੋ ਰਹੀ ਕੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂੜੋ ਆਪ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਭਾਈਆਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਣੀ ਹੈ ਜਿਕੀ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਤੋ ਆਸਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਕੱਲ ਆਪ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਰੇ ਵੇੜੋ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦੌੜਤਾ ਵੜਿਆ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਉਹ ਦਿਖਾਣੂ ਹੈ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਚੇਤਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਫੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੋ ਫੇਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੋ ਜਿਕਰ ਅੱਲਾ ਰੇ ਆਪਰੀ ਰੋਜੀ ਚੱਲੇ ਪਛੇ ਆਪਰੀ ਖਿੰਚਤਾਣ ਕਰੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂ ਔਰ ਉਹ ਆਸਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮੇਂ ਖੜਾ ਰਹੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ